मंडी जिला के सरकाघाट में नवंबर माह में बुजुर्ग महिला के साथ की गई बदसलूकी को प्रदेश की जनता अभी भूल ही नहीं पाई है कि अब हमीरपुर जिला के भोरंज उपमंडल में ऐसी ही घटना को समाज के कठोर ठेकेदार जन्म देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ जाहो पंचायत के डोह गांव में 17 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला को ये कहकर प्रताड़ित किया जा रहा है कि वे डायन है और जादू टोना करती है। हालांकि मामला पुलिस तक भी पहुंचा है और गांव के करीब 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज भी किया गया है, लेकिन बावजूद इसके महिला से बदसलूकी का सिलसिला बंद नहीं हो रहा है और अब तो महिला को घर से अकेले निकलना मुश्किल हो गया है। जाहो पंचायत के डोह गांव की 69 वर्षीय संध्या देवी पत्नी स्वर्गीय परशुराम ने हमीरपुर में मीडिया को बताया कि उनका घर मुंडखर में था, लेकिन वर्ष 2007 में वे परिवार सहित डोहग आ गए और यहां घर बनाकर रहने लगे। बुजुर्ग महिला ने बताया कि गांव के कुछ लोगों को शुरू से ही उनके यहां रहने पर आपत्ति रही और वे हमेशा उनके साथ झगड़ते रहते थे। काफी वर्षों तक तो वे ये सब सहते रहे, लेकिन बाद में गाँव के लोगों ने उसे घर आकर डराना धमकाना शुरू कर दिया। महिला ने बताया कि पिछले दिनों भी गांव के कुछ लोगों ने उसके साथ घर में आकर मारपीट की। पंचायत प्रतिनिधियों को भी इस बारे में अवगत करवाया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। संध्या देवी ने बताया कि उनका बेटा और बहू चंडीगढ़ में नौकरी करते हैं और वे परिवार के साथ वहीं रहते हैं। आजकल लॉकडाउन के चलते बेटा घर आया हुआ है। पिछले दिनों जब बेटा किसी काम से बाहर गया हुआ था तो लोगों ने उसे डराने धमकाने का प्रयास किया और मारने की धमकियां देते रहे। बुजुर्ग महिला ने बताया कि बेटे के घर आने तक भी घर के भीतर बंद रही। इस बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई तो भोरंज पुलिस थाने में डोह गांव के 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। उधर महिला के बेटे जयचंद ने बताया कि उन्होंने इस बारे में एसपी हमीरपुर और डीजीपी हिमाचल प्रदेश को भी लिखित शिकायत भेजी है। वहीं एसपी हमीरपुर अजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि भोरंज थाने में ऐसा मामला सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है और यदि गांव के लोग अभी भी उसे इसी तरह प्रताड़ित कर रहे हैं तो पुलिस सख्त एक्शन लेगी। जिला हमीरपुर की बाड़ी फरनौल पंचायत की ओर जाने वाली सड़क की खस्ता हालत को देखते हुए स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर द्वारा इस सड़क की मरम्मत को करवाने के लिए बजट उपलब्ध करवाया गया था, जिसके बाद प्रशासन द्वारा सड़क की हालत को सुधार दिया गया है, जिसको लेकर बाड़ी फरनौल पंचायत के बाशिंदों ने विधायक नरेंद्र ठाकुर का धन्यवाद किया है। बाड़ी फरनौल के पूर्व बीडीसी मेंबर चमनलाल चोपड़ा ने कहा कि नरेंद्र ठाकुर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बाड़ी फरनौल सड़क की खस्ता हालत को देखते हुए उसके लिए बजट का प्रावधान किया और इस पर तुरंत कार्रवाई की। महिला ने बताया कि बाड़ी फरनौल सड़क की हालत काफी खस्ता थी, जिसको ठीक करने के लिए विधायक नरेंद्र ठाकुर ने बजट का प्रावधान किया था और उसके बाद सड़क को ठीक किया गया। इसके लिए वे विधायक नरेंद्र ठाकुर का धन्यवाद करती हैं। जिला कांग्रेस कमेटी मंडी के सदस्य ने कमेटी अध्यक्ष व पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी की अगुवाई में हिमाचल सरकार पर महंगाई को बढ़ावा देने के लिए रैली के माध्यम से प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप भी लगाए। इस मौके पर बल्क क्षेत्र के पूर्व विधायक व जिला कांग्रेस कमेटी मंडी के अध्यक्ष प्रकाश चौधरी ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध व्यक्त किया और कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के दामों में की गई वृद्धि से आम व्यक्ति की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार का घेराव करते हुए कहा कि सरकार ने बस किराए में वृद्धि करके जन विरोधी फैसले किए हैं और अगर महंगाई को रोका नहीं गया तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर में अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे।
सोलन में यातायात को दुरुस्त करने के लिए यातायात पुलिस लगातार कार्य कर रही है। लोगों को नियमानुसार वाहन चलाने के लिए आग्रह भी किया जा रहा है और नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नाके लगाए जाते हैं, जो नियमों की पालना करते नहीं पाया जाता है पहले उसे चेतावनी दी जाती है और अगर वह फिर भी नियमों की पालना करते नहीं पाया जाता है तो उसका चालान भी काटा जाता है। ये जानकारी यातायात प्रभारी कमल कुमार ने दी। यातायात प्रभारी कमल कुमार ने बताया कि सोलन शहर में यातायात नियमों की उल्लंघन ना हो इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजकल कार की सीट बेल्ट को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जो भी व्यक्ति सीट बेल्ट नहीं लगाता तो उसका चालान काट कर उसे भविष्य में सीट बेल्ट लगाने के निर्देश दिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि रोज करीबन 50 चालान सीट बेल्ट के किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और यातायात नियमों के बारे में जानकारी भी दी जा रही है।